Hello guys, this is Princess Dolly and welcome to my channel. I hope you guys are doing great. And so guys, आज मैं actually ये जो makeup आप देख रहे हैं ये remove करने वाली थी, क्योंकि अभी सोने का time है. So obviously I always make sure that सोने से पहले मैं अपना makeup remove ज़रूर करती हूँ, क्योंकि I just want my skin to breathe. I was about to clean my face and I just thought of कि I should share this with you guys. और जो मैं आगे बढ़ने से पहले I also want to tell you, watch this video till the end, क्योंकि अंत में मेरा एक छोटा सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट. या तो सबसे पहले मेकअप रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ. देखिए दोस्तों, आप चाहे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यू नो यू कैन यूज़ वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड ऑप्शन. लेकिन किसी किसी की जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, तो उसे वो ज़्यादा सूट नहीं करता. एंड यू कैन यूज़ बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी ऑयल जो मिलता है मार्केट में, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. एंड देर आर लॉट्स ऑफ यू नो मेकअप मेल्टिंग बाम्स, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रिफर करती हूँ गार्नियर का मिसलर वाटर. ये जो ये ऑयल इन्फ्यूज्ड वाटर है एक्चुअली, क्योंकि इससे अपने स्किन में, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, थोड़ा सा ऑयल बेस्ड वाटर मैं ले लेती हूँ अपने कॉटन पैड्स पे. एंड देन आई जस्ट डैब 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 एंड देन डैब डैब के मोशन में मैं ये रिमूव कर देती हूँ. आई जस्ट शो यू हाउ आई डू इट. सो या पहले ये जो ऑयल आप देख रहे हैं, आई एम जस्ट गोना शेक इट वेरी वेल ताकि ये इवन हो जाए एंड देन आई एम पुटिंग इन ऑन माई कॉटन पैड इन अ जनरस अमाउंट. यप, नाउ आई एम जस्ट गोना. देखिए अभी आई मेकअप हमारा जो होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, क्योंकि हम लाइनर्स लगाते हैं या काजल लगाते हैं तो वो जल्दी से नहीं निकलता. इसलिए फर्स्ट आई एम गोना डू इज प्रेस इट ऑन योर आईज, पुट इट लाइक फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड देन रिमूव इट जेंटली. दैट्स इट, हो गया. सी, तो इसी तरह पहले हम आई मेकअप जो है वो निकाल लेंगे, ताकि जब हम हमारा पूरा मेकअप निकालेंगे तो पूरा ब्लैक ब्लैक फेस नहीं होगा हमारा. सो या हियर इज द आई मेकअप एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल ओवर माय फेस. बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है मेकअप रिमूव करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब सम पीपल यूज़ दोज वेट टिश्यूज एंड ऑल, तो मुझे वो लगता है कि वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं हमारे फेस के लिए. सो नेवर यूज़ दैट. आई मीन आई तो डोंट प्रिफर यूजिंग दैट. सो या अगर किसी को सूट कर जाते हैं तो दैट्स अपॉन यू गाइज. मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन मुझे ये लगता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आप मेकअप रिमूव करते हैं या नहीं. बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो इतना बड़ा बड़ा लेयर लेके सो जाते हैं एंड देन दे आर टेंड टू गेट पिंपल्स एंड ऑयली स्किन एंड स्कार्स एंड एवरीथिंग. सो यप, पूरा मेकअप इस पे आ चुका है एंड नाउ आई एम जस्ट गोना वॉश माय फेस विथ माय फेवरेट क्लेंजर विच इज़ हिमालय नीम फेस वॉश. आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा सूट कर जाता है. तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है वही यूज़ करना है आपको. डोंट जस्ट यू नो इन्वेस्ट इन एनी बिग प्रोडक्ट. जस्ट पैटिंग माय फेस टॉवल ऑन माय फेस. द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोना डू इज मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का राइस ब्राइटनिंग टोनर. तो ये अपने जो का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस करती है एंड या लेट इट ड्राई. ये सूख जाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ,
I'm going to apply my eye cream, which is from the Mom's Co. Natural Under Eye Cream. This reduces dark circles, puffiness and wrinkles. So it's very very nice. My face की सबसे पतली skin जो है वो अपनी under eye की skin होती है, इसलिए यहाँ पर हम जो भी product लगाते हैं बहुत सोच समझ के gently हमें लगाने पड़ते हैं। का स्किन केयर रूटीन एक होना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि आजकल हम इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं और हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, खुद के लिए भी नहीं तो स्किन के लिए कहाँ से मिलेगा, राइट? तो स्किन एक हमारी अच्छी तरह से स्किन केयर होना बहुत ज़रूरी होता है। पोल्यूशन भी इतना बढ़ चुका है गाइज कि एक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन तो सभी का होना ही चाहिए। आर यू माई मेन इन्ग्रीडियंट विच इज़ माई नाइट क्रीम From Discover Pilgrim. It's a retinol based night cream. बहुत ही आपको ये जो क्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो दे देती है जब मैं सुबह उठती हूँ, एंड अपवर्ड मोशन में आप इसी क्रीम को अपने फेस पे लगा दें और हल्के से इसे मसाज कर देगा इस, क्योंकि मसाज करते समय हमारी जो स्किन है इसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इवन आई हैव अ वीकली मसाज रूटीन ऑल्सो, सो मैं कभी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड नाउ द लास्ट स्टेप विच इज़ माय फेवरेट मॉइस्चराइजर, ऑफ कोर्स massage it on my palms very nicely and then I'm just gonna pat it all over my face. And yeah, we are done with the skincare for tonight guys. बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, बहुत अगर चीज़ एज अ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, आई थिंक दैट इज़ द की। कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं रखोगे और कभी अगर मूड आया तो ही अगर आप चीज़ें लगाओगे फेस पे तो वो वर्क नहीं करने वाला है। So you just have to be very careful about आप रोज़ लगाए देखिए और एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन ज़रूर बनाएं। और yeah, that's it. आपको ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड विल मीट सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी स्टाइलिश एंड बी मलंग। चलिए बाय।